गुड आफ्टरनून सभी को। मुझे नहीं लगता कि आप मेरे साथ ऐसा घात करेंगे, और मैं कविता सुनाने जा रहा हूँ, आप अपने पड़ोसी से बात करेंगे, ठीक है? तो मेरी कविता पे गौर फरमाइएगा कि बहुत हुआ मिलना जुलना अब तुमसे बिछड़ जाना ही अच्छा है, तुम्हारे दिल में जिंदा है कई रकीब, मेरा तो मर जाना ही अच्छा है। तुमको पाने के लिए सब कुछ छोड़ दिया, तुम्हारी खुशी के खातिर हमने सारा गम भी छोड़ दिया। लाल जोड़ा पहनकर जिस दिन हो जाओगी तुम किसी की, तुम्हारी डोली से पहले मैंने अर्थी का कफन ओढ़ लिया। अभी मैं बताता हूँ आपको कुछ चीजें कि मुझे अच्छा क्या क्या लगता है, ठीक है? अच्छा बहुत चीजें लगती हैं। अब मैं आपको दिखाता हूँ क्या क्या अच्छा लगता है। कि तेरे हाथों से तेरे होठों को छूना अच्छा लगता है। जब मिलती हैं तेरी निगाहें मुझसे तो अच्छा लगता है। खुली आंखों से सपने, बंद आंखों में तेरा चेहरा अच्छा लगता है। तेरा इश्क एक समुंदर है जिसमें डूब जाना भी अच्छा लगता है। ऐसा नहीं है कि नजारे और नहीं, बस तुझे देखना अच्छा लगता है। तेरी खुशियों में हर पल तेरे साथ रहना अच्छा लगता है। अब लड़कियां जब साथ में होती हैं तो उनके कुछ जो फ्रेंड्स होते हैं ना, चिढ़ाते हैं कि देखिए वो आ रहा है, ठीक है? तो ऐसे कहते हैं कि तेरी सहेलियों का मुझे देखकर तुझे छेड़ जाना, बाद में तेरी पायल का तेरी चाल के साथ छमछमाना, मेरी नजरों से मिलते ही तेरी आंखों का शर्माना, फिर ये हर पल मुझे मनाना अच्छा लगता है। तेरे हाथों से तेरे होठों को छूना अच्छा लगता है। अब मैं चार लाइनें अपने दोस्तों के लिए कहता हूँ कि मेरी खुशियों में साथ रहकर गम में मेरे मरने की चाह रखते हैं, और जब भेजती है उनकी भाभी मैसेज तो नोटिफिकेशन देख के वाह वाह करते हैं। अच्छा, अब एक रकीब था जो मर गया, उसने मरने के बाद क्या चीजें लिखी, वो कहता है कि सभी तो आ गए हैं, तुम कब आओगी, सजाया जा रहा हूं मैं, तुम नहीं सजाओगी, सभी तो आ गए हैं, तुम कब आओगी। अपना हो या पराया, सभी खोए बैठे हैं, और सीने से लगा कर देखो कितना रोए बैठे हैं। अहंकार था जिनको वो भी हमसे दूर हो गए। कफन में देखकर मेरा चेहरा कितने मजबूर हो गए। मेरी सारी बातों की बात कर रहे हैं, देखो अभी हर पल मुझे याद कर रहे हैं। सजाया जा रहा हूं मैं, तुम नहीं सजाओगी, सभी तो आ गए हैं, तुम कब आओगी। कब्र पर मेरे क्या फूल लेकर आओगी। मर चुका हूं मैं ये सोचकर भूल जाओगी, सभी तो आ गए हैं, तुम कब आओगी। अब एक वर्ड आपने सुना होगा, क्रश। कहते हैं भैया वो हमारी क्रश है, ठीक है? देखिए इनकी बहुत ढेर सारी हैं, तो क्रश के लिए कहता हूँ कि क्रश तो मेरी तुम ही थी पर तुमने मुझे चांद बना दिया। बिखरते हुए मशहूर शायर का भरी महफिल में नाम बना दिया। दीदारे हुस्न के ख्वाब क्यों गहरे हो गए। कोई देख न ले तुम्हारा ये खूबसूरत चेहरा, इसीलिए काले तिल के पहरे हो गए। मेरी महफिल से न जाने क्यों दूर रहती हो, पर मेरी शायरी में तो तुम ही मशहूर रहती हो। ख्याल सवाल सब तुम्हारे होते हैं, जब देखता हूं तो जवाब भी तुम्हारे होते हैं। राज दिल के सारे खोल नहीं पाता, और प्यार करता हूं तुमसे कभी मैं बोल नहीं पाता। अब दो लोगों को मैं जोड़ते हुए कहता हूं कि बंधे हैं हम दोनों उस मन्नत की डोर से, मैं तुम्हारे आगे तुम मेरे पीछे वाली छोर से। एक धागा होता है, अगर आप उसे बांधेंगे तो दोनों धागों के पीछे आगे के धागे को बांध करके ही आप गांठ बनाते हैं। तो बंधे हैं हम दोनों उस मन्नत की डोर से, मैं तुम्हारे आगे और तुम मेरे पीछे वाली छोर से। रोजा रखूं तुमको पाने की चाहत होती है, तुम इश्क बनो तुमसे राहत होती है। हर पल तुमसे मेरी इबादत हो, हर पल
तुमसे मेरी इबादत हो, जो कभी न छूटे तुम ऐसी मेरी आदत हो। अच्छा तुम क्यों इतना ख्याल रखती हो, अच्छा तुम क्यों इतना ख्याल रखती हो, सुना है कलमे में मेरे भी नाम की माला जपती हो। मेरे लिए मलिकाएं जहान हो तुम, मेरे लिए मलिकाएं जहान हो तुम, पढ़ लो तुमको क्योंकि गीता और कुरान हो तुम। सुना है फिर क्यों गिले शिकवे हमारे हो गए, सुना है फिर क्यों गिले शिकवे हमारे हो गए, तुम किसी और की हो वो तुम्हारे हो गए। अच्छा है दर्द से तुम्हारे लिखी हम किताब हो गए, अच्छा है तुम्हारे दर्द से लिखी हम कहानी हो गए, बांध दिया तुमने दरगाह में हमें, सुना है हम मन्नत पुरानी हो गए। अब मैं एक कॉलेज लाइफ में जैसे इश्क मोहब्बत होता है तो उस पर मैं 4-5 लाइनें सुनाता हूँ आपको कि तेरी सारी बात याद है, तेरी सारी बात याद है, पीपीटी हॉल की पहली मुलाकात याद है, तेरी सारी बात याद है, पीपीटी हॉल की पहली मुलाकात याद है, लाइब्रेरी के बाहर अगली बात हुई थी और दोस्ती की नई शुरुआत हुई थी। नजरें झुका कर देखते, नजरें झुका कर देखते, कहीं हमारी नजर न लगे, दिल के अंदर जो इश्क था उसकी आपको खबर न लगे। मुझे पता है तुम नादान थी, कॉलेज से तुम थोड़ा अनजान थी, पर तुम ही मेरी जान थी, तुम्हारी कॉलेज में अलग पहचान थी, तुम ही मेरी जानती। कभी जब हफ्तों कॉलेज नहीं आती थी, कभी जब हफ्तों कॉलेज नहीं आती थी तो आंखें तरस जाती थी, रातों में बातें करते करते फिर वो आंखें बरस जाती थी, बातें करते करते आंखें बरस जाती थी। घर से कॉलेज जाने को जब तुम नकाब में निकलती थी, घर से कॉलेज जाने को तुम नकाब में निकलती थी, और शब्दों से ज्यादा तो तस्वीरें तुम्हारी किताब में निकलती थी। कैंटीन में बैठ संग मैगी जब तुम खाती थी और सुनो ना यार कह करके प्यार के मुझसे बुलाती थी। कहा तुमने कि मैं तुम्हारे जीवन का बेस्ट हो जाऊं और करूं कुछ ऐसा कि टॉप 10 में सेलेक्ट हो जाऊं। कॉलेज से पैदल चलते चलते मेरा कॉलेज IIT है, कॉलेज से पैदल चलते चलते आनंद भवन तक हम जाते थे। याद है तुम्हें वो रजवाड़ा में हम बर्गर भी प्यार से खाते थे। सुबह जब मैं अपनी क्लास में सीढ़ियों से जाया करता था और खिड़की के पास तुम्हें देखकर मेरा दिल खुश हो जाया करता था। देखने के बाद ये मत पूछो सुकून कैसा होता है और ये इश्क है इसका जुनून कैसा होता है। पहले क्या कम था जो और कहर ढाने लगी थी, सुना अब तुम चश्मा भी लगाने लगी थी। दिल में एक आजमाइश है तुम्हारी अदाएं मेरी नुमाइश है। रोज मिलती रहना ख्वाबों में, बस खुदा से मेरी यही फरमाइश है। और कितने लेक्चर्स बंक करके पार्क में समय बिता दिया, और तुम पर भी जाना कविता लिखकर मैंने सबको सुना दिया। थक गया हूँ वफा की सबाई देते देते। अब तो बिखरे अल्फाज लिख रहा हूँ, और कोई जाकर बता देना उस बेवफा से कि मैं उस पर भी एक किताब लिख रहा हूँ।